हेलो स्टूडेंट्स, माय यूट्यूब चैनल आदर्श स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आप लोग चैप्टर वन के समुच्चय सेट में 11वीं क्लास के कुछ मुख्य बिंदु के बारे में विचार करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मुख्य बिंदु में है रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय, एम्प्टी सेट, या किसे कहते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, रिक्त समुच्चय कहलाता है। रिक्त समुच्चय को प्रतीक फाई, इसको हम फाई बोलते हैं, अथवा इस प्रकार से हम जब इस मझोला कोष्ठ को इस प्रकार से लिख देते हैं तो इसमें कुछ नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं कि यह रिक्त समुच्चय है, ठीक है। तो इसमें जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए a इक्वल टू है x अनुपात x स्क्वायर, मान लीजिए 2 = 0 है और कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां a एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि जैसे मान लीजिए कि x स्क्वायर माइनस 2 = 0 करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 2, तो x बराबर हो जाएगा √2। तो अब यहां पर x बराबर √2 हो रहा है और यहां कह रहा है कि x एक परिमेय संख्या है, तो ये तो परिमेय नहीं है, ये तो हो गया अपरिमेय। तो इसमें यह रिक्त समुच्चय है, तो इसको हम रिक्त समुच्चय कहेंगे। यहां पर लिख सकते हैं कि ये एक रिक्त समुच्चय है क्योंकि x बराबर √2 आ रहा है जो अपरिमेय है, अतः यह परिमेय होने का परिमेय मान को संतुष्ट नहीं कर रहा है, संतुष्ट नहीं करता है, ठीक है। तो दूसरा है परिमित समुच्चय यानी कि फिनिट सेट। इसमें एक ऐसा समुच्चय है जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, अवयव की संख्या अगर निश्चित है तो वह परिमित समुच्चय कहलाती है। जैसे जैसे मान लीजिए एस सप्ताह के दिनों या सप्ताह के दिन का या दिनों का समुच्चय है, तो यह क्या होगा, तो यह एक परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अपरिमित समुच्चय में बिल्कुल उसके उल्टे हो जाता है, कह रहा है कि एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या अनिश्चित होती है, इसमें निश्चित होती है और इसमें अनिश्चित होती है, तो वह अपरिमित समुच्चय कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि किसी एच रेखा पर, मान लीजिए कोई एच रेखा है, उस पर सभी बिंदुओं का समुच्चय
सभी बिंदुओं का समुच्चय। तो सभी बिंदुओं का समुच्चय है तो क्या होगा, अपरिमित समुच्चय होगा, क्योंकि ये अनिश्चित है। अब इस रेखा पर मान लीजिए रेखा है, अब इस रेखा पर कितना बिंदु होगा अनिश्चित है, अनगिनित है, तो इसलिए इसको बोलेंगे अपरिमित समुच्चय। ठीक है, आगे देखते हैं समान समुच्चय। ये सारे अगर मुख्य बिंदु समझ गए तो आराम से समझ में आ जाएगा, इसके आगे जो प्रश्न बताए जाएंगे तो इसको समझना बहुत जरूरी है। तो ये इक्वल सेट्स है। दो समुच्चय ए और बी समान कहलाते हैं जब उनके अवयवों की संख्या समान हो, तो समान समुच्चय कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि ए बराबर 1, 2, 3, 4 है और बी बराबर है 3, 4, 1, 2, इधर उधर कहीं से भी हो लेकिन पूरा अवयव उसका होना चाहिए। एक है तो एक है, दो है तो दो है, तीन है तो तीन है, चार है तो चार है। ठीक है, तो ये जो है समान समुच्चय कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि और हो गया सी इज इक्वल टू मान लीजिए है एक 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 है, दो तीन तीन, चार चार है, तो ये क्या कहलाएगा, ये भी इसी के लेवल का है, क्योंकि ये भी समान है, क्योंकि कोई भी अंक को दोबारा नहीं लिखना है। अगर समुच्चय लिखेंगे तो समान समुच्चय में तो ये क्या लिखेंगे, तो ये बराबर हो जाएगा एक एक को एक ही बार लिखेंगे, दो तीन चार, तो बिल्कुल इसी के समान हो गया। तो ये भी जो है समान समुच्चय में आ जाएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.2 का, अब हम हल देखेंगे किस प्रकार से होगा और उसके रिलेटेड ये कुछ बेसिक बात था, कुछ परिभाषा था जो आप लोगों को बता दिया गया, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। तो रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि दो से भाज्य विषम प्रकृत संख्याओं का समुच्चय। तो अब देखिए दो से भाज्य विषम प्रकृत संख्या, तो विषम प्रकृत संख्या क्या होता है, विषम प्रकृत संख्या होता है 1, 3, 5, 7, 9, ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए ये दो से भाज्य होगा, दो से कटेगा नहीं कटेगा, तो नहीं कटेगा तो क्या होगा, ये फाई होगा, यानी कि यह एक रिक्त समुच्चय है, ये फाई है, ये रिक्त समुच्चय है। तो हम लिखेंगे कि यह एक रिक्त समुच्चय है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो सम अभाज्य संख्या में क्या होता है, सम में मान लीजिए है दो, मान लीजिए अभाज्य संख्या लिखते हैं 3, 5, 7, 11, 13, ये आगे बढ़ता जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, तो इसमें सम है एक, दो जो है सम है, तो दो सम है इसलिए यह है रिक्त समुच्चय नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे यह रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरा क्वेश्चन है x अनुपात x एक प्रकृत संख्या है, x छोटा है 5 से और साथ ही x बड़ा है 7 से, तो ये नामुमकिन बात है,
ये भी नहीं हो सकता, यहां पर ये रिक्त हो जाएगा क्योंकि इसमें तो दो था तो ये रिक्त समुच्चय नहीं है, लेकिन ये रिक्त हो जाएगा क्योंकि यहां पर कह रहा है कि प्रकृत संख्या है, एक दो तीन चार पांच से छोटा है, और साथ ही कह रहा है कि एक से जो है बड़ा है, तब यहां पर एक्स के लिए ही ये है तो एक्स बड़ा कहां से होगा, या तो सात से बड़ा कह रहा है, लेकिन यहां पर प्रकृत संख्या कह रहा है जो इतना से छोटा है, तो दोनों ये मेल नहीं खा रहा है, तो इसलिए ये जो है ये क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। तो लिखेंगे यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। अगला कह रहा है कि वाई अनुपात वाई किसी किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, मान लीजिए कि दो समांतर रेखा है, तो इसका कोई उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा, ये तो अलग ही जाएगा, जितना भी बढ़ाया जाए इसको भी जितना भी बढ़ाया जाए, समांतर है तो समांतर है, ये तो सटेगा ही नहीं, और जब तक सटेगा नहीं तब तक उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो इसलिए यह भी क्या है, यह एक रिक्त समुच्चय है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ध्यान दीजिए, वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीना का समुच्चय तो आराम से हो जाएगा, मान लीजिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये तो समुच्चय क्लियर है, तो ये क्या होगा, जब क्लियर है तो ये हो जाएगा परिमित, ये हो जाएगा परिमित समुच्चय, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि एक दो तीन, अब मान लीजिए ऐसे डॉट डॉट है तो इसका मतलब है कि चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह बहुत आगे तो अनंत तक चला जाएगा, और जितना भी मान लीजिए लास्टिंग इसका होगा नहीं, क्योंकि जो भी अंक लिखेंगे जितना भी बड़ा उसमें एक जोड़ेंगे तो वो आगे हो जाएगा, तो इसलिए यह निश्चित है तो ये होगा अपरिमित, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपरिमित। अगला कह रहा है कि एक दो तीन डॉट 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 निन्यानवे सौ, सौ तक ये लास्ट हो गया, यानी एक दो तीन चार पांच छह सात ऐसे चलते चलते सौ तक जाएगा, तो ये परिमित हो जाएगा, आप लोग समझ रहे होंगे। अगला कह रहा है कि सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो सौ से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, ये बड़ा जब आगे बढ़ता जाएगा तो ये तो गारंटी नहीं है कितना दूर तक जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, ठीक है। और अगला है दूसरा का लास्ट क्वेश्चन पांचवा, निन्यानवे से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, तो निन्यानवे से छोटा जितना अभाज्य पूर्णांक होगा, अभाज्य पूर्णांक में मान लीजिए निन्यानवे से छोटा हो जाएगा, दो हो जाएगा, तीन हो जाएगा, पांच हो जाएगा, सात हो जाएगा, ग्यारह हो जाएगा, तेरह हो जाएगा, इस प्रकार से सत्रह हो जाएगा, जितना मतलब कि ये होगा निन्यानवे से छोटा वो समुच्चय हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये है परिमित, ये परिमित समुच्चय होगा। तो आगे क्वेश्चन हम देखेंगे, तीसरा क्वेश्चन, इसको ध्यान से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, बिल्कुल इसी तरह है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, तीसरा क्वेश्चन में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का जो समुच्चय है, मान लीजिए एक अक्ष है, ये एक अक्ष ऐसा होता है, तो यहां पर मान लीजिए इधर एक्स डॉट होता है, इधर एक्स होता है, तो इसके समांतर कोई है रेखा और, तो ये तो एक दूसरे से उभयनिष्ठ होगा नहीं, तो अपरिमित कह रहा है कि परिमित होगा या अपरिमित होगा, तो ये तो अपरिमित हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपरिमित, तो ये जो समुच्चय होगा अपरिमित हो जाएगा, आप लोग समझ रहे हैं कैसे होगा, क्योंकि ये जो है एक दूसरे के
बिल्कुल अलग अलग होगा और समांतर रेखा कह रहा है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर का समुच्चय जितना है उतना टोटल लिखना है। तो मान लीजिए क्या हो जाएगा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जेड, जेड तक चला जाएगा, जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, जेड तक हो गया। तो ये जो है ये निश्चित है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा परिमित। अभी आप लोगों ने परिभाषा में देखा कि जो निश्चित होता है वो परिमित होता है, अनिश्चित जो होता है अपरिमित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, उन संख्याओं का समुच्चय जो पांच का गुणज है। तो पांच का गुणज, उन संख्याओं का समुच्चय जो है पांच का गुणज है, तो यहां पर जो है ये अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि पांच का गुणज ये जो है अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि बहुत से ऐसा अंक हो जाएगा, अंक संख्या हो जाएगा, जिसे मान लीजिए पांच का गुणज तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, पांच दस पंद्रह बीस, मतलब कि अनंत तक जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा जो पांच का गुणज है, तो इसलिए ये क्या होगा अपरिमित हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय जो है, पृथ्वी पर जितने जानवर हैं उनके समुच्चय अगर मान लीजिए अगर निकाला जाए तो ये परिमित हो सकता है, क्योंकि अगर सभी जानवरों का अगर समुच्चय निकाला जाए तो कुछ दिनों में कुछ वर्षों में उनका निकल जाएगा कि कितने जानवर हैं, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा परिमित हो जाएगा, ये अपरिमित नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। मान लीजिए भारत की जनसंख्या किसे विश्व की जनसंख्या जब गिना जा सकता है तो जानवर तो देखा जा सकता है, और इसमें आप सोचेंगे कि ये क्यों नहीं हुआ परिमित, तो ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आगे बढ़ते जाएगा, जब पांच आगे बढ़ाते जाएंगे तो ये आगे बढ़ते जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है, ये अनिश्चित है, लेकिन ये निश्चित हो सकता है, ये निश्चित हो जाएगा, इसलिए ये परिमित है। ठीक है, मूल बिंदु जीरो जीरो से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। तो मूल बिंदु जीरो से होने वाले वृत्त तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, मान लीजिए कि मान लीजिए मूल बिंदु है, यहां से एक वृत्त ऐसे बना, फिर इसी सेंटर को लेकर एक और वृत्त बना और बना और बना और बना, ये तो बनते बनते बहुत काफी वृत्त बन जाएगा, तो इसलिए ये अनिश्चित है, तो इसे क्या होगा अपरिमित। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में बतलाइए कि ए बराबर बी है अथवा नहीं। तो यहां पर देख लेते हैं कि बी है बराबर है कि नहीं है। ए बराबर है यहां पर ए बी सी डी, और यहां पर बी में है ए बी सी डी, ये तो बराबर है, तो ये हो जाएगा ए बराबर बी, ये बराबर है। ठीक है, इसमें देख रहे हैं कि चार आठ बारह सोलह है, और इसमें क्या है चार आठ सोलह है, लेकिन इसमें अठारह है, इसमें अठारह है जो इसमें अठारह नहीं है, इसमें इसमें बारह है लेकिन इसमें बारह नहीं है, तो ये जो है ये बी के बराबर नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है तीसरा कि ए बराबर दो चार छ आठ दस, दो चार छ आठ दस सम धन पूर्णांक है, तो यहां पर कह रहे हैं सम धन पूर्णांक है और एक्स जो है छोटा या बराबर है दस के, तो छोटा है या बराबर है, तो बराबर कह रहा है, सिर्फ छोटा कहता है तो ये नहीं होता बराबर, लेकिन यहां पर बराबर का चिन्ह दे रहा है, इसका मतलब हुआ छोटा, और ये दे दिया चिन्ह तो ये हो गया बराबर, तो ये बराबर है, तो ए बराबर हो जाएगा बी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, ए बराबर अगर एनसीईआरटी का बुक नहीं होगा तो ले लीजिएगा, अगर नहीं होगा तो इसमें पूरा क्वेश्चन हम दे रहे हैं पूरा लिखकर, तो नहीं होगा तो भी आप लोग पढ़ सकते हैं। ए बराबर है एक्स अनुपात एक्स संख्या दस का एक गुणज है, तो दस का एक गुणज है, बी में क्या कह रहा है ये देखिए,
10, 15, 20, 25, 30 ये आगे बढ़ते जा रहा है, पांच पांच करके। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि 10 का गुणज कह रहा है, तो 10 का तो ये गुणज है, एक ये है, ये है, 25, 15 तो नहीं है, आगे भी मतलब 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तो गुणज 10 का नहीं होगा, तो इसलिए यह जो है बराबर नहीं है। तो ए बराबर नहीं है बी के, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है यहां पर, ध्यान दीजिएगा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। तो कारण सहित बताना है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर कह रहा है कि ए बराबर 2, 3, अब बी में कह रहा है कि एक्स अनुपात एक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0 का एक हल है। तो इसको देख लेते हैं कि 0 का हल है या नहीं है, ठीक है। तो यहां पर देखकर समझ लेते हैं, तो मान लीजिए यहां पर समझ लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x+6 बराबर 0, तो इसका गुणनखंड जब करते हैं तो इसमें ये क्या हो जाएगा, 6x² प्लस में जोड़ने पर ये आना चाहिए, तो 2 गुना 3 करेंगे तो जोड़ने पर आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस। और यहां पर एक ट्रिक बताए थे आप लोगों को, जैसे कि मान लीजिए ये 10th क्लास में हम बताए हैं ट्रिक, तो आप लोग मेरे चैनल पर ट्रिक देख सकते हैं, गुणनखंड का ट्रिक, तो उसमें डायरेक्ट बताया गया है, जैसे मान लीजिए कि ये गुणनखंड किया यहां पर, तो इसका क्या होगा, इसका मान तो डायरेक्टली मान इसका हो जाएगा -2 -3। कैसे, ये प्लस में आ गया तो प्लस में दोनों लिखेंगे, तो दोनों प्लस में लिखेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस में आ रहा है, और इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ए बराबर 2, 3 है, तो ये तो गलत कह रहा है, तो कह रहा है कि समान नहीं है। तो आप लोग इस चीज को गुणनखंड करके लिख सकते हैं, इसको आप लोगों के लिए बना देते हैं, तो मान लीजिए यहाँ हो जाएगा 2x+3x+6 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x कॉमन हो जाएगा, तो x+2 और यहाँ पर 3 कॉमन हो जाएगा, तो x+2 बराबर 0, तो ये हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए x+3 हो जाएगा और ये हो जाएगा x+2 तो बराबर 0। तो यहां पर क्या हो जाएगा, x बराबर इधर 0 को उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो है ये आपका मूल हो जाता है x का मान, जो इसमें गलत कर रहा है, तो इस ये जो है ये कारण हो गया, ये नहीं हो सकता। तो उसके बाद इसको देखिए, इसमें कह रहा है कि a बराबर एक्स अनुपात एक शब्द फ्लो का एक अक्षर है, तो इसमें देखिए यहां पर वाई होना चाहिए, तो बी बराबर वाई अनुपात वाई शब्द उल्फ का एक अक्षर है, तो इसमें एक्स वाई से कोई मतलब नहीं है, यहां पर ध्यान देने देना है कि इसमें जो है ये अक्षर है कि नहीं है। तो हम जानते हैं कि समुच्चय में दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो डब्ल्यू इसमें है, ओ है, एल है, कोई दोबारा नहीं लिखेंगे, डबल एल है तो एक ही एल होना चाहिए, काफी है, डबल ओ है तो एक ही ओ होना चाहिए, एफ है, तो ये जो है ये सही है, यानी कि ये समान है, तो ये ए बराबर बी है, समान है, क्योंकि ये सारे अक्षर उसमें है, ये कारण में लिख सकते हैं। तो एक छठा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है जो आप लोग देख सकते हैं, यहां पर ये छठा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, तो ध्यान दीजिए, नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों को चयन कीजिए, समान समुच्चयों को चयन करना है, तो ध्यान पूर्वक इसको देखना है। तो ए बराबर है 2, 4, 8, 12, बी बराबर 1, 2, 3, 4 है, यहां पर सी बराबर ये है, आप लोग देख रहे हैं, तो 1, 2, 3, 4 यहां पर देख रहे हैं और एक ये देख रहे हैं, तो यहां पर देखिए ये वाला बी वाला देखिए और एक डी वाला देखिए, 1, 2, 3, 4 है, 1, 2, 3, 4 है, तो ये दोनों ये युग्म में जो है बराबर है, बाकी और बराबर नहीं है, तो यहां पर जो है बी बराबर है डी, यह एक युग्म में बराबर हो गया, ठीक है। और आगे देखिए -1 है, इसमें 1 है, ए है, 0 है, 0 है, 1 है,
माइनस एक है, एक है, आगे पीछे से मतलब नहीं है, तो यहां पर एक और युग्म मिल गया, e बराबर जी। तो e का काम हो गया और g का काम हो गया। तो ये जो है a है जीरो है, तो a जीरो कहीं नहीं है, जीरो एक तो कहीं नहीं है, और ये भी नहीं मिल रहा है। यहां पर 12 14 है, 8 4 12 है, 2 है, लेकिन इनमें 2 नहीं है, तो इसलिए कोई यही दो युग्म में जो है आपका बराबर है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाल अक्षर में नीचे लिखा होगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और बगल के घंटी को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए तो सबसे पहले आपके मोबाइल पर आ जाए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।